हरियाणा के पंचकुला जिले की कालका विधानसभा के छोटे से गांव पीपल घाटी में भगवान राम जी प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसमें सनातन धर्म के अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा स्वरूप की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें, यह भव्य मंदिर लगभग 20 एकड़ में बनाया जा रहा है। सभी हरियाणा प्रदेश व पंचकुला जिला के साथ लगते अन्य प्रदेशों के निवासियों से अपील है कि आप एक बार यहां जरूर आएं। यकीन मानो, आपको यहां के भव्य अलौकिक क्षणों को महसूस कर आप ये निर्णय नहीं कर पाओगे कि आप अयोध्या में हो या कालका विधानसभा के एक छोटे से गांव में बने राम मंदिर में हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राड और आपको ले चला हूँ कालका की आवाज के साथ राम मंदिर की ओर। मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर के लिए अयोध्या के अंदर भव्य तैयारियां लेकर चल रही हैं, जहां नरेंद्र मोदी से लेकर हर एक बड़ा नेता राम मंदिर के लिए उत्सव हुआ है राम मंदिर में जाने के लिए। ऐसा ही एक नजारा हम कालका की विधानसभा क्षेत्र पीपल घाटी के अंदर आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये राम मंदिर का निर्माण यहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हो रहा है और इसकी यहाँ पर भव्य मूर्तियां यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस समय यहाँ पर लगी रही हैं और निर्माण कार्य अभी भी जारी है। और आपको अभी भी दिखा रहे हैं कि काफी सारा ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है और अभी तक, जैसे कि हमारे को जो सूत्रों से मिली जो जानकारी के अनुसार, हमारा ये कहना है सूत्रों का कि अभी इसको बनने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। हमारे आज तात्पर्य सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे कि राम मंदिर के लिए लोग अयोध्या में भव्य तैयारियां कर रहे हैं, उसी प्रकार कालका शहर विधानसभा क्षेत्र जो कालका हमारी है पीपल घाटी के अंदर भी राम मंदिर बन रहा है, उस ओर भी लोगों का ध्यान लेने के लिए आज हम लोग पीपल घाटी के अंदर पहुंचे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि पीछे जो ये जो बन रहा है भव्य मंदिर, उसका नजारा एक बार वो आपको दिखाएं। जय श्री राम के नाम का नारा।